भल भल बहता था लहू मगर वह वीर भयंकर लड़ता था। था शेष एक हाथ बचा पर शौर्य देखते बनता था। गर प्रथम वीर सान 57 का वह भीष्म पितामह न होता, स्वतंत्र देश का सपना भी इतना सरल न होता। नमस्कार, मैं हूं अतुल मिश्रा और अनटोल्ड हिस्ट्री के इस नवीन अंक में आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उस वीर रणबांकुरे की कथा जिसके नाम मात्र से ही अंग्रेजी आक्रांताओं में भय का संचार हो जाता था। यह कथा है उस वीर की जिन्होंने उस आयु में शत्रुओं को धूल चटाई जिसमें अधिकांश लोग वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। आज मैं आपके समक्ष कथा प्रस्तुत कर रहा हूं तत्कालीन बिहार के अंतर्गत आने वाले जगदीशपुर के महाराज वीर योद्धा कुंवर सिंह की, जिन्होंने अंतिम श्वास तक अंग्रेजों को अपनी मातृभूमि पर टिकने नहीं दिया। मास था नवंबर का, साल था 1777, जब शीत ऋतु शनह शनह अपने आगमन की सूचना दे रही थी। ऐसे सुंदर वातावरण में राजा साहिबजादा सिंह और उनकी धर्मपत्नी रानी पंचरत्न देवी के यहां जन्मे वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह उज्जैनिया राजपूतों के वंश से थे, जिनसे मालवा के सुप्रसिद्ध शासक राजा भोज भी संबंध रखते हैं। वीर कुंवर सिंह का जन्म शाहबाद जिले, जो कि अब भोजपुर क्षेत्र के नाम से विख्यात है, वहां के जगदीशपुर प्रांत में हुआ था। कुंवर सिंह को शौर्य और साहस अपने पिता से विरासत में मिली थी, जो ब्रिटिश साम्राज्य के धुर विरोधी थे। कुंवर सिंह के बाल्यकाल पर अधिक सूचना उपलब्ध नहीं है, परंतु इस बात पर कोई भी भ्रम नहीं है कि उनका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली और ओजस्वी था। एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ कुंवर सिंह को पर्यावरण से विशेष लगाव था। जैसे ही उन्होंने जगदीशपुर प्रांत का सिंहासन संभाला, उन्होंने राज्य भर में वृक्षारोपण करवाया। कुंवर सिंह का शासन जहां स्थानीय लोगों और भारतीय संस्कृति के लिए किसी वरदान से कम नहीं था, तो वहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यह साम्राज्यवाद के पथ का उपरोध बन रहा था। परंतु जिस कारण से वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के नेत्रों में शूल की भांति चुभते थे, वह था छापामार युद्ध रणनीति में उनकी दक्षता। जिस युद्ध नीति से छत्रपति शिवाजी महाराज ने बड़े से बड़े शत्रुओं को क्षुण्ण और प्रभग्न किया था, उसी नीति पर चलते हुए कुंवर सिंह और उनके अनुज अमर सिंह ने ब्रिटिश साम्राज्य को जगदीशपुर पर आधिपत्य जमाने से रोका। वीर कुंवर सिंह की आत्मकथा रचने वाले के दत्ता के अनुसार 1857 से 59 की क्रांति के दौरान जगदीशपुर के वनों को इस प्रकार से विकसित किया गया था कि कुंवर सिंह के शत्रुओं, विशेषकर अंग्रेजों के लिए ये वन किसी अभेद्य और अजेय दुर्ग से कम नहीं थे। कई बार अंग्रेजी सेनापति ने ब्रिटिश सरकार को इस संबंध में पत्र भी लिखे। उनके अनुसार जंगल में गुप्त पर सुनियोजित पथ निर्मित किए गए थे, जिसके विषय में केवल कुंवर सिंह व उनके कुछ अनुयायियों को ही ज्ञात था। इन्हीं मार्गों से वे प्रांत के एक कोण से दूसरे जाते थे और अंग्रेजों के लिए यह मार्ग किसी अभेद्य पर्वत से कम दुष्कर नहीं था। परंतु वीर कुंवर सिंह के परीक्षा का पारमार्थिक काल आया 1857 में ब्रिटिश विरोधी क्रांति में। उस समय तक वीर कुंवर सिंह अपने माता पिता समेत अपने भ्राता राजपति को खो चुके थे। केवल उनके सबसे कनिष्ठ भ्राता अमर सिंह ही जीवित थे, जो अंतिम श्वास तक उनके साथ युद्धरत रहे। 1857 की क्रांति में जब मां भारती का बुलावा आया, तब कुंवर सिंह लगभग 80 वर्ष के थे और दिन प्रतिदिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। परंतु उन्होंने मातृभूमि की सेवा में अपने आप को समर्पित करते हुए दानापुर में योद्धाओं की कमान संभाली। 27 जुलाई 1857 को भगवान कार्तिकीय के नेतृत्व वाली देवसेना सदृश वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में उनके योद्धा अंग्रेजों पर टूट पड़े और उन्होंने जगदीशपुर प्रांत एवं आरा क्षेत्र को अंग्रेज मुक्त बना दिया। ब्रितानिया झंडा नीचे भूमि पर पड़ा था और जगदीशपुर का राजकीय ध्वज गर्व से वायु में डोल रहा था। परंतु ब्रिटिश अफसर अपने गढ़ को इतनी सरलता से नहीं गंवा सकते थे। उन्होंने एक बार पुनः कुंवर सिंह की सेना पर धावा बोला, परंतु वे पुनः परास्त हुए। अंत में 3 अगस्त तक अंग्रेजी अफसर मेजर विंसेंट आयर ने आरा पर एक विशाल सेना के साथ आक्रमण कर ब्रिटिश शासन को पुनः स्थापित किया। पर
पराजय शब्द तो मानो वीर कुंवर सिंह के शब्दकोश में कभी था ही नहीं। वीर कुंवर सिंह और उनके योद्धाओं ने वो किया जिसके बारे में ब्रिटिश शासकों ने अपने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। छापामार युद्ध की रणनीति में पारंगत वीर कुंवर सिंह और उनके लड़ाकों ने आजमगढ़ में स्थित ब्रिटिश छावनी पर धावा बोलते हुए उसे ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र किया। ब्रिटानिया झंडा एक बार पुनः धरती पर लौटने लगा। अथक श्रम के बाद ब्रिटिश आजमगढ़ को पुनः प्राप्त कर सके। अब एक बार पुनः वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की ओर कूच किया। युद्ध में एक अघोषित नियम होता है, कभी भी किसी एक व्यक्ति के पीछे अपनी समस्त शक्ति का व्यय ना करें। परंतु ये बात ब्रिगेडियर डगलस जैसे अफसर के मोटे मस्तिष्क में कभी आई ही नहीं। वीर कुंवर सिंह के छापामार युद्ध से वे इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपने नेतृत्व में समस्त सेना को कुंवर सिंह के पीछे लगा दिया। 22 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह ने एक भीषण युद्ध लड़ा। अंग्रेजों को इस युद्ध में एक 80 साल के वयोवृद्ध योद्धा ने पछाड़ दिया था। इस युद्ध में एक गोली कुंवर सिंह की बाहिनी भुजा को चीरती हुई निकल गई। घाव भीषण था और संक्रमण से मृत्यु और उसके फलस्वरूप सेना के नेतृत्व विहीन होने की स्थिति थी। ऐसे में वीर योद्धा कुंवर सिंह ने अपने खड्ग से अपनी ही भुजा को काट कर मां गंगा को अर्पण कर दिया। इस अलौकिक वीरता का उल्लेख करते हुए होम्स नामक एक ब्रिटिश इतिहासकार ने लिखा था, यह वृद्ध राजपूत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अद्भुत वीरता के साथ युद्ध लड़ा। यह संभवतः हमारा भाग्य ही था कि युद्ध के समय कुंवर सिंह की आयु 80 के करीब थी। अगर वह युवा होते तो अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता। गंभीर रूप से चोटिल होने के बाद भी वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश सेना का ऐसा संहार किया जैसे भगवान श्री राम ने जनस्थान में खरदूषण की सेना का किया था। अंग्रेजों के पांव आखिरकार उखड़ ही गए। जगदीशपुर पर अब यूनियन जैक नहीं केसरिया ध्वज लहरा रहा था। कुंवर सिंह ने मातृभूमि पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया था, परंतु दुर्भाग्यवश वे इस विजय का उत्सव नहीं मना पाए। जगदीशपुर के दुर्ग में उन्होंने विजय के अगले ही दिन 26 अप्रैल 1858 को वीरगति प्राप्त की। वीर कुंवर सिंह ने भगवान कृष्ण के उस गीतोपदेश को जिया था जहां भगवान कहते हैं, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अर्थात अर्जुन, यदि युद्ध में तुम वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख भोगोगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय और निश्चय करके युद्ध करो। परंतु विडंबना तो देखिए, हुतात्मा होने के 162 वर्ष पश्चात भी अधिकांश भारतीयों को वीर कुंवर सिंह का शौर्य तो छोड़िए, उनका नाम भी स्मरण नहीं होगा। जिस व्यक्ति का नाम बिहार समेत समस्त भारत के हर बच्चे को कंठस्थ होना चाहिए, वह आज इतिहास के पन्नों में कहीं लुप्त से हो गए। जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा हेतु वृद्धावस्था में भी खड्ग उठाया, उनके बारे में हमें आज भी सीमित ज्ञान ही उपलब्ध हो पाता है। यह कथा है 1857 के क्रांति के एक वीर योद्धा की। यह कथा है वीर कुंवर सिंह और उनके अदम्य शौर्य की। यह कथा है धर्म के विजय की। ऐसी ही अन्य कथाएं लेकर आता रहूंगे मैं आपके समक्ष अनटोल्ड हिस्ट्री के अन्य गाथाओं के साथ। परंतु जाते जाते आपका ध्यान मेरे परिधान की ओर अवश्य गया होगा, और जाए भी क्यों नहीं, क्योंकि मेरी टी शर्ट पर अंकित हैं वीर अहोम योद्धा लाचित बुरफुकान, जिन्होंने सराय घाट के युद्ध में औरंगजेब के अभिमान को चकनाचूर किया था। हमने महान लाचित बुरफुकान पर अनटोल्ड हिस्ट्री का एक अंक भी किया है। अगर आप ये या ऐसे अन्य परिधान प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़े लिंक को अवश्य क्लिक करें। नमस्कार।